हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसी एलईडी टीवी की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा जो कि ना ही आपको अमेजोन पे मिलेगी ना ही फ्लिपकार्ट पे। तो मैं आपको पहले लाइव दिखा दे रहा हूँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चेक करके। तो ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे अमेजोन को ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे ईगो एलईडी के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आया ईगो टीवी का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कई सारी टीवियाँ दिखा रही हैं, जैसे हो गया TCL, हो गया कार्बन, हो गया रेडमी, हो गया वन प्लस, हो गया ये सब दोस्तों आ रहे हैं। बट जो है यहाँ पे ईगो का नहीं है, तो उसको हमने जो है दोस्तों स्किप कर दिया। उसके बाद हमने जो है दोस्तों फ्लिपकार्ट पे जाके चेक किया, तो फ्लिपकार्ट का हमने जो है यहाँ पे देख सकते हैं खोला, और यहाँ पे भी हमने जो है ईगो टीवी के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारा फिर भी वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी थी। यहाँ पे भी हमें TCL हो गया, वन प्लस हो गया, रेडमी हो गया, यही सब इसमें आ रहा था। तो अगर आप दोस्तों इस एलईडी को ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो नहीं मंगा सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दे रहा हूँ। ये दोस्तों हमारी एलईडी ओपन हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको हम धीरे धीरे खोल रहे हैं। ये हमारी एलईडी खुल चुकी है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर दिखा दे रहा हूँ आपको क्या क्या निकल के आता है, क्या क्या एसेसरीज दे रखी है। तो मैं इसकी सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है। ये हमारी एलईडी बाहर हो चुकी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो है कुछ एसेसरीज भी दे रखे हैं, वह अंदर है तो उसको मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे दोस्तों इसका एसेसरीज एक पॉलीथीन में दे रखा है, उसको भी मैं अभी आपको रिवील करूंगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा एक वारंटी पेपर जो कि 12 मंथ की वारंटी दे रखी है, इस कार्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं इसी में रख दे रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा एक अच्छा सा, हमें लगता है यह है वॉल माउंट स्टैंड। तो यह दोस्तों काफ़ी वजन है, तो यह इसमें जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वॉल माउंट होने वाला है। अब मैं दोस्तों आपको इसको खोल के दिखा दे रहा हूँ एलईडी को, आगे से भी और बैक से भी मैं इसका सारे डिटेल आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों इसके सामने की साइड की मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा इसका ईगो का एक लोगो, इसको नीचे की साइड में फ्रेम में लगा रखा है। तो फ्रेम दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका नीचे की साइड ही आपको एक मोटा सा फ्रेम देखने को मिल जाएगा, और थ्री साइड आपको कोई भी फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। तो यह आपको लेफ्ट साइड और ऊपर की तरफ कोई भी फ्रेम देखने को नहीं मिलेगा। और यह एलईडी दोस्तों आपको 4 स्टार के साथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो यह पूरा दोस्तों आपका बैक जो है प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा, ये पूरी एरिया आपको प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ तो इसका जो है वॉल माउंट जो लगेगा आपका कुछ यहाँ पे लगेगा, ये चारों जो आपको दे रखा है यहाँ पे, और जस्ट उसी के साइड आपको काफी सारे पोर्ट दे रखे हैं। पोर्ट में दोस्तों आपको एवी का पोर्ट दिख जाएगा, और इधर आपको यूएसबी का भी दो दो पोर्ट दे रखे हैं, काफी अच्छी बात है। और एक ईयरफोन का दे रखा है, और नीचे के साइड भी आपको एवी का एक और पोर्ट दे रखा है, यानी कि इसमें दो पोर्ट है एवी की, और एक HDMI केबल के ए वाला है, और एक लैन का कनेक्शन इसमें दे रखा है जिससे आप इंटरनेट सेवा इसमें काम करा सकते हैं। और ये है इसका दोस्तों केबल, केबल तो आप लोग देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं कह सकते, बट जो है तो है। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, इधर आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है, साइड साइड से आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी आपको देखने को सुनने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन दे रखे हैं, 8 बटन टोटल दे रखे हैं दोस्तों, ऑन ऑफ की है, बैलून है, चैनल चेंज है, ये सब दोस्तों इसी में दे रखा है। और नीचे के साइड में यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर दोस्तों आपका जो है साइड में दे रखा है। अब मैं दोस्तों इसके एसेसरीज की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को एसेसरीज के नाम पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा रिमोट आपको देखने को मिल जाएगा। यह रिमोट दोस्तों आपको काफ़ी बड़ा भारी भरकम देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में अभी मैं बाद में बात कर लूँगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसका, ये है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये इसका टेबल स्टैंड है, टेबल स्टैंड दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इसी के साथ आपको जो है यहाँ पे स्क्रू देखने को मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप लोग इसको टेबल माउंट कर पाएंगे। और ये है दोस्तों इसका वॉल माउंट, वॉल माउंट दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दे रखा है, काफ़ी बढ़िया मजबूत सा वॉल माउंट है, इस पे आप निफिक्र होके आप अपना एलईडी को वॉल माउंट कर पाएंगे, इस पे गिरने का चांस भी नहीं रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा इसके साथ कुछ स्क्रू, जिसकी सहायता से आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। अब मैं इसके रिमोट की बात कर लूँ, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा रिमोट है, हमारे हथेली से भी बड़ा है दोस्तों, यानी कि आप समझ ही सकते समझ हैं। रहे हो? समझ रहे हो आप? यहाँ पे दोस्तों समझ रहे आपको इस रिमोट में काफ़ी सारी बटन दे रखे हैं, तो यह आपको कुछ ओल्ड मॉडल का फीलिंग दे सकता है, बट दोस्तों आपको रिमोट काफ़ी मजबूत मिलेगा, बड़ा है तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना मजबूत होगा।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑन ऑफ करने पे आपका जो है रिमोट वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर जलता हुआ दिख जाएगा, वह आपको कैमरे में ही दिखेगा, नग्न आंखों से नहीं दिखेगा। और दोस्तों आपको जो भी इसमें स्टिकर दे रखा है फाड़ना नहीं है, और इसको जो है LED को डैमेज भी नहीं करना है। अगर दोस्तों आप लोग डैमेज कर देंगे तो कंपनी वाले आपसे यही बोलेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब दोस्तों हमारी LED हो चुकी है ऑन। ऑन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एगो PIC द न्यू जनरेशन, यानी कि यह आपकी नई जनरेशन की LED है। हालांकि यह हमको पसंद ओवरऑल एकदम नहीं आई। तो यहाँ पे दोस्तों यह एंड्रॉयड बेस पे काम करती है तो एंड्रॉयड की तरह ही खुलेगा। और दोस्तों इसमें लैगिंग की काफ़ी समस्या है, आप लोग देख सकते हैं इसके आगे हमारा कुछ बढ़ नहीं रहा था। तो मैं दोस्तों आपको जो है इसमें AV का कनेक्शन करा के दिखा दूँ तो AV भी इसमें नहीं चल रहा था, क्योंकि हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो चुका था।